जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर, और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को इंतजार था कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान की, दोस्तों मैराथन क्लास नंबर 4। ठीक है, आज इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी प्रश्न दोस्तों। ठीक है, एक एक नंबर वाले। तो आपके सामने यहाँ पर 15 क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो छोटा सा है दोस्तों। ठीक है, एंड तक जरूर देखना है और ये सभी क्वेश्चन अच्छे से आपको याद करने हैं, और मेरे हिसाब से आप सभी को याद भी होंगे पहले से। ठीक है, और मैराथन क्लास 1st, 2nd, 3rd जरूर देखें दोस्तों। ठीक है, मैंने अच्छे से कवर करवाए हैं आप सभी को, तो आप सभी जरूर देखें। और आज हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान मैराथन 4, और पेपर में छपने वाले, यहां से पेपर में पूछे जाएंगे दोस्तों क्वेश्चन। आपके सामने पहला क्वेश्चन देखेगा, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? तो याद रखना दोस्तों, यूरोपीय संघ के झंडे में जो है कितने सितारे हैं? 12 सितारे हैं। कितने सितारे हैं? 12 सितारे हैं। प्रश्न अच्छे से याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है कि विश्वग्राम की संरचना को क्या कहते हैं? विश्वग्राम की संरचना को जो है वो क्या कहते हैं? तो आप इसमें लिखेंगे इसको वैश्वीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। याद रखना, विश्वग्राम की संरचना को क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण कहा जाता है। इसके बाद देखो, द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द्विराष्ट्र सिद्धांत, इसका जो प्रतिपादन किया था वो आपके किया था मोहम्मद, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, मोहम्मद अली जिन्ना। याद रखना दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, इन्होंने जो है किसका प्रतिपादन किया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो ये आपके दिया था मुस्लिम लीग ने। किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने दिया था। और पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, और इन्होंने दिया था द्विराष्ट्र सिद्धांत। इसके तहत मुस्लिम लीग क्या कह रही थी? ये मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग कर रही थी दोस्तों। ठीक है, तब कांग्रेस ने विरोध किया था। तो याद रखना, द्विराष्ट्र सिद्धांत के जो प्रतिपादन है वह मोहम्मद अली जिन्ना है। इसके बाद ये प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है ये किस सन में लागू हुई? पहली पंचवर्षीय योजना किस सन में लागू हुई? तो याद रखना, वर्ष 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना के समय जो अर्थशास्त्री थे वो थे K.N. Raj। कौन थे? K.N. Raj, आपको याद रखना दोस्तों, ये अर्थशास्त्री थे। और याद रखे, जो पहली पंचवर्षीय योजना है इसमें किस पर बल दिया गया? तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया। ठीक है, याद रखना। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, आपको सिर्फ यही याद रखना है, पंचवर्षीय योजना से आप क्या समझते हैं? 5 वर्षों के लिए चलाई जाने वाली योजना पंचवर्षीय योजना है। अब पंचवर्षीय योजना में पहली और दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। ठीक है, और इस समय जो अर्थशास्त्री थे वो K.N. Raj थे, और इसमें कृषि पर बल दिया गया। फिर बात होती है दूसरी पंचवर्षीय योजना की। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली थी, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर बल दिया गया था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो अर्थशास्त्री थे वे थे P.C. Mahalanobis। ये भी आपको याद रखना है। सॉरी, श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? श्वेत क्रांति, याद रखना, श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो है आपके दुग्ध उत्पादन से। किससे है? दुग्ध उत्पादन से। याद रखना, श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो आपके दुग्ध उत्पादन से है, याद रखे अच्छे से। इसके अलावा लिट्टे को कब खत्म किया गया था? लिट्टा, देखिएगा, लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। क्या है दोस्तों? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, इसका फुल फॉर्म होगी। अब जो है लिट्टो है जो, इसे कब खत्म किया गया? तो आपको याद रखना है 2009 में जो है लिट्टे को खत्म किया गया था। ठीक है, अफगानिस्तान जो है वो दक्षेस का सदस्य कब बना? अफगानिस्तान ये आपके बना था 2007 में। कब बना था? 2007 में। ये बनता है 8वां सदस्य। ठीक है, 8वां सदस्य, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अफगानिस्तान सारक या फिर दक्षेस, ठीक है, दक्षेस या सारक दोस्तों याद रखना है। ये जो सारक है
इस तरीके से है SAAARC, ठीक है, SAAARC सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों सार्क, सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में और इसका मुख्यालय है काठमांडू नेपाल के अंदर, ठीक है। और अफगानिस्तान बनता है 2007 में, इसका 8वां सदस्य है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ, ताशकंद समझौता ये आपके हुआ दोस्तों भारत, देखिएगा भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो ताशकंद समझौता हुआ। भारत के जो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री जो थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ये आपके जो है भारत के प्रधानमंत्री थे। और याद रखना है तो इसमें देखो ये कब हुआ था ताशकंद समझौता, तो ये हुआ था आपके 10 जनवरी 1966 को, 10 जनवरी 1966 को जो है आपके ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों यूएसएसआर का पूरा नाम बताओ, यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है, ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था, शिमला समझौता 1972 में हुआ था, ठीक है, ये भी आप याद रखें। यूएसएसआर दोस्तों, यूएसएसआर का पूरा नाम यू फॉर यूनियन, एस फॉर सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, यानी समाजवादी सोवियत गणराज्य, ठीक है, समाजवादी सोवियत गणराज्य, इसकी फुल फॉर्म है। बर्लिन की दीवार पर टिप्पणी लिखो, जो बर्लिन की दीवार है, बर्लिन की दीवार के बारे में आप क्या जानते हैं वो अपने विचार लिखने हैं, आप लिख सकते हैं कि जो बर्लिन की दीवार है इसका निर्माण 1961 में हुआ था, और बर्लिन की दीवार जो है वो कब गिराई गई, तो 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। और बर्लिन की जो दीवार है वो इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है, और बर्लिन की दीवार जो है शीत युद्ध के अंत का प्रतीक है, यानी पूंजीवादी और समाजवादी दुनिया के बीच विभाजन का जो प्रतीक है वो आपके बर्लिन की दीवार है। तो ये बर्लिन की दीवार से संबंधित आप लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे 10 क्वेश्चन हुए। अब देखो 11वां क्वेश्चन है आपके सामने, बाल्टिक गणराज्यों के नाम बताओ, तो इसमें 11वें का आंसर आप लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे एस्टोनिया हो गया, ठीक है, एस्टोनिया हो गया, इसके अलावा लताविया हो गया, लताविया, इसके अलावा लिथुआनिया हो गया, लिथुआनिया, ठीक है, लिथुआनिया, तो ये आप लिख सकते हैं। ये तीनों जो है आपके बाल्टिक गणराज्य हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये याद रखना है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1990 में हुआ था जर्मनी का एकीकरण, कब हुआ था, 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। मार्शल प्लान कब से कब तक चला, याद रखें मार्शल प्लान ये आपके चला था, इस 13वें का आंसर मैं यह लिख रहा हूँ, 1947 से 1952 तक जो है आपके कौन सा प्लान चला था, मार्शल प्लान या मार्शल योजना, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि अमेरिका ने जो है पिछड़ते सोवियत संघ में, यानी एक तरीके से कह सकते हैं पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधार लाने का प्रयास किया, ठीक है, पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ये प्लान बनाया था, योजना बनाई थी, जिसे हम कहते हैं मार्शल प्लान या मार्शल योजना, ठीक है। सोवियत संघ में कितने गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया, तो आपका जो सोवियत संघ है वो 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था, कितने गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया, 15 गणराज्यों को, आप याद रखना अच्छे से, ठीक है। सोवियत संघ में लगातार एक ही पार्टी का शासन था, वो था 72 वर्षों तक, याद रखना, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, इसीलिए तो सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण है लगातार एक ही पार्टी का शासन, यानी कम्युनिस्ट पार्टी। आसियान की स्थापना, आसियान का मुख्यालय कहाँ है, पहले बताओ आसियान की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, कब हुई थी स्थापना आसियान की, 1967 में। और आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना पूछे तो 1994 में आपको करना है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है बताओ, जकार्ता, ठीक है, जकार्ता आपको याद रखना है, जकार्ता यह आपका जो है आसियान का क्या है, मुख्यालय है दोस्तों, ठीक है। अब ये जकार्ता कहाँ पड़ता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो इस तरीके से हमने 15 क्वेश्चन देखे दोस्तों, ठीक है, ये 15 क्वेश्चन हमने देखे, बिल्कुल छोटा सा वीडियो है, और इसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो मेरे हिसाब से आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, छोटी क्लास है दोस्तों, बड़े प्रश्न भी हम करवाएंगे। अब आपको पता होगा राजस्थान बोर्ड में भी,
राजस्थान बोर्ड में भी दोस्तों 18 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, आपको पता होना चाहिए। पहले बड़े बड़े आते थे लेकिन अब ऑब्जेक्टिव ज्यादा आएंगे, छोटे प्रश्न ज्यादा आएंगे, इसलिए छोटे प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी सिलेबस लागू है बिल्कुल, देखो आप देख सकते हैं यूपी बिहार झारखंड, ठीक है। और ये जो प्रमुख क्वेश्चन लिया आपके सामने लिए गए लिए हैं दोस्तों, ये आपके पूछे गए एमपी बोर्ड में, ठीक है। तो एमपी बोर्ड में पूछे गए हैं तो सिलेबस सेम है दोस्तों, एनसीईआरटी सिलेबस है, सिलेबस सेम है, आप सभी जुड़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों शेयर। और हाँ, अगर आप सीरीज खरीदना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस की सीरीज, तो पॉलिटिकल साइंस की जो सीरीज है, इस सीरीज की जो प्राइस है दोस्तों वो है आपके यहाँ पर 30 रुपये, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस की सीरीज की प्राइस 30 रुपये है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं इन नंबरों पर। नोट्स बुक खरीदना चाहते हैं तो नोट्स बुक की प्राइस 50 रुपये है, ठीक है। अगर हिस्ट्री की सीरीज चाहिए तो हिस्ट्री की सीरीज 30 रुपये में मिल जाएगी, पॉलिटिकल की 30 रुपये मिल जाएगी, ज्योग्राफी की 30 रुपये में मिल जाएगी, हिंदी साहित्य की तैयार हो रही है हिंदी कंपलसरी की मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझे आप मैसेज कर देना, ओके। चलो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।